Yes. Yesterday we have discussed about number system. Number system. There are two systems, Indian system and international place value system. ठीक है, हम लोगों ने क्या किया था, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग और इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू को कैसे सेपरेट करना है और कैसे कंपेयर करना है. मैंने बोला था कि हमने सेपरेट करना है कॉमा से. उसके लिए हमने मेथड यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, तो हम मेथड देखेंगे. बोले कि मेथड ऑफ राइटिंग लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर को राइट कैसे करने का मेथड क्या है. फर्स्टली हमने लिया है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम. ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या है, आपने फर्स्टली मैंने अब तक पहले भी बताया था कि आपने काउंट द डिजिट्स इन द नंबर फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट. हमने डिजिट्स को, जो जितने भी आपके नंबर्स में डिजिट आते हैं उनको राइट से लेके लेफ्ट तक काउंट करना है, समझ गए. तो उसमें क्या है, आपके जो फर्स्ट थ्री डिजिट्स आएंगे वो क्या होंगे, आपके 100 ग्रुप बनाएंगे. ठीक है, और उसके नेक्स्ट टू डिजिट्स, कितने टू डिजिट्स बोला है मैंने, वो कितने आएंगे, आपके थाउजेंड्स ग्रुप बनाएंगे. एंड नेक्स्ट टू आल्सो विल मेक अ लैक ग्रुप, नेक्स्ट टू आल्सो विल मेक अ करोड़ ग्रुप. मैं फिर से रिपीट कर रही हूं एक बार, जो फर्स्ट थ्री डिजिट्स आएंगे कहां से लेना हमने, ये देखो राइट टू लेफ्ट. ठीक है, राइट टू लेफ्ट हमने काउंट करने हैं डिजिट्स, कितने डिजिट्स इस नंबर में, जो फर्स्ट थ्री डिजिट्स आएंगे. ठीक है, मैं बताती हूं आपको, यहां पे कोई नंबर लेके ये ले लिया हमने कोई भी नंबर, फर्स्ट थ्री डिजिट्स 1 10 100 ये आए, 1 2 3 फर्स्ट डिजिट ले ली हमने, ये कौन सा ग्रुप बना आपके पास, 100 ग्रुप बना. नेक्स्ट टू डिजिट्स, तो टू के बाद ले जाएंगे कौन हम लोग, तो ये देखो टू डिजिट्स कौन से आए, ये 1000 ग्रुप पे आए. इसके अलावा जो बाकी के बचते हैं, अगर वन बचा तो वन वो कौन से इसमें आएगा, लैग ग्रुप में आएगा. टू होंगे तो टू किस में आएंगे, लैग ग्रुप में आएंगे. देखो अब यहाँ पे जो फर्स्ट थ्री डिजिट्स है आपके पास वो है आपके पास 100 ग्रुप में, नेक्स्ट टू डिजिट जो है वो आपका क्या बनाते हैं, 1000 ग्रुप बनाते हैं, नेक्स्ट टू डिजिट लैग ग्रुप, एंड नेक्स्ट टू डिजिट क्या होंगे आपके पास, करोड़ ग्रुप. आप इसी क्लास में यहां तक ही पढ़ते हैं ज्यादातर. अब देखो यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है और मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है, फर्स्ट थ्री डिजिट्स राइट टू लेफ्ट बोला है. तो क्या है ये आपके पास 100 ग्रुप है, नेक्स्ट टू डिजिट्स 1000 ग्रुप में आए, नेक्स्ट टू डिजिट्स लैक्स ग्रुप में आए, नेक्स्ट जो हमारे पास वन बचा है या टू डिजिट बचे होंगे वो कौन से आएंगे, करोड़ ग्रुप में. अब देखो यहाँ पे हमने सेपरेट कैसे किया डिजिट्स को, ग्रुप कैसे बनाए, विद द हेल्प ऑफ कॉमास. तो आपने फर्स्टली कॉमास पुट करने हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के. फिर देखना है कि यहाँ से जो हमारे पास कितने ग्रुप बन रहे हैं, 100 ग्रुप है, 1000 ग्रुप है, लैक ग्रुप है, करोड़ ग्रुप है, उसी के हिसाब से आपने नंबर नेम राइट करना है, जिससे इसका नंबर क्या बनेगा, 3 करोड़. ठीक है, 56 लाख, 24,000, नेक्स्ट आएगा आपके पास 598, ये बन गया. तो देखो आपके पास यहां पे करोड़, लैक, थाउजेंड, हंड्रेड, यही आ रहा है आपके पास. तो इसी वजह से आपने इनको पहले कॉमा से सेपरेट करना है, फिर देखना हमारे पास कितना ग्रुप बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको नंबर नेम में राइट करना है. नेक्स्ट है आपके पास इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम मैंने पहले भी बताया था आपको कि हम लोग 3-3 डिजिट्स का पेयर बनाते हैं, इसमें भी वैसे ही करना है हम लोगों ने, काउंट द डिजिट्स इन द नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वैसे ही काउंट करेंगे. ये चीज याद रखनी है, राइट टू लेफ्ट, द फर्स्ट थ्री डिजिट्स फॉर्म 100 ग्रुप, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स फॉर्म 1000 ग्रुप, नेक्स्ट थ्री डिजिट्स फॉर्म मिलियन ग्रुप, एंड नेक्स्ट थ्री डिजिट्स फॉर्म बिलियन ग्रुप. तो वैसे ही बनना है आपके पास. मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रही हूं इसके अकॉर्डिंग, बाकी देखते हैं हम लोग क्या करना है. आप देखो ये
कोई भी नंबर ले लिया मैंने. देखो फर्स्ट राइट टू लेफ्ट बोला है ना, फर्स्ट वन टू थ्री ये लगा दिया मैंने कॉमा, वन टू थ्री ये कॉमा लगा दिया, वन टू थ्री ये बन गया आपके पास. तो देखो ये फर्स्ट थ्री डिजिट्स क्या बना रहे हैं आपके पास, हंड्रेड ग्रुप बना रहे हैं. नेक्स्ट थ्री डिजिट्स क्या बना रहे हैं आपके पास, थाउजेंड ग्रुप. एंड नेक्स्ट थ्री डिजिट बना रहे हैं आपके पास मिलियन ग्रुप. देखिए इसमें वैसे एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, देखेंगे आप लोग 3 5 6 2 4 5 9 8. अब देखो ये फर्स्ट थ्री डिजिट्स हंड्रेड ग्रुप बना रहे हैं आपके पास, नेक्स्ट थाउजेंड्स ग्रुप, एंड नेक्स्ट है आपके पास मिलियन ग्रुप. ठीक है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, 35 मिलियन ठीक है, 624 और कौन से ग्रुप में है ये, थाउजेंड्स में. ठीक है, एंड 500 98. अब आप देखेंगे यहां पे देखो मिलियन ग्रुप भी आया, थाउजेंड ग्रुप भी आया और हंड्रेड ग्रुप भी आया. तो देखो यही थे हमारे पास इस एग्जाम्पल्स में. तो इस किस वजह से हम लोगों ने इसको नंबर नेम कैसे राइट करने हैं वो चीज देखनी है हम लोगों ने. पहले मैंने बताया है आपको कि अपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर किस सिस्टम्स के अकॉर्डिंग बोला गया है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला गया है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग बोला गया. अगर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं तो उसमें देखेंगे आप लोग, क्या बोला था मैंने उसमें कि पहले थ्री डिजिट्स लेने हैं आपने, उसमें आएंगे आपके पास हंड्रेड ग्रुप में, नेक्स्ट टू डिजिट्स लैग ग्रुप में, नेक्स्ट टू डिजिट्स आपके करोड़ ग्रुप में आएंगे. वैसे ही आपके पास क्या है, ये इंटरनेशनल सिस्टम दूसरा है आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम, उसमें हमें किस कितना ले रहे हैं, थ्री थ्री डिजिट्स की ग्रुप बना रहे हैं हम लोग. तो फर्स्ट थ्री डिजिट्स, और एक बात और ध्यान में रखनी है आप लोगों ने, डिजिट्स हमने काउंट करने हैं जो भी नंबर्स में डिजिट्स आए हैं आपके पास फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, राइट से लेके लेफ्ट तक काउंट करने हैं हम लोगों ने. कितने कितने का पेयर बनता है दोनों ही इसमें, इंडियन सिस्टम में भी और इंटरनेशनल सिस्टम में भी आपके पास फर्स्ट जो है थ्री डिजिट्स आ रहे हैं, नेक्स्ट में आपके पास इंडियन में टू टू आ रहे हैं और इंटरनेशनल में आपके पास थ्री थ्री सिस्टम ही आ रहे हैं, थ्री थ्री डिजिट्स ही आ रहे हैं. नेक्स्ट देखेंगे आप लोग, ये एग्जांपल था, नंबर नेम भी राइट कर दिया. अब हमने क्या करना है, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर. ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन. अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन एडिशन हमने स्मॉलेस्ट नंबर की भी की हुई है, जो स्मॉलर नंबर थे जैसे 2 + 2 = 4 या 22 में हमने 15 ऐड कर दिए तो कितना आता है उसी हिसाब से. तो हमने जैसे ही सेम वे है वैसा ही आपने अगर स्मॉलर नंबर की आपने एडिशन करी हुई है तो आप लोग इसमें लार्ज नंबर के एडिशन भी वैसे ही करेंगे. ठीक है, पर यहाँ पे होता है कि यहाँ मतलब डिजिट्स ज्यादा दिए हुए हैं, बच्चे आगे पीछे कर देते हैं. तो आपने डिजिट के जो डिजिट राइट करना है जैसे वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000, लैक, 10 लैक, डिजिट के नीचे डिजिट राइट करेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा. जैसे ये है वंस प्लेस, 2 में 5 ऐड करें तो 7, 1 में 0 ऐड किया तो 1, 5, 7, 5, 10, 1 बच गया आपके पास. ठीक है, और 8 + 2 = 10, 10 + 1 = 11, इस हिसाब से बन गया आपके पास ये. ठीक है, समझ गए. तो वैसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल और लिया है, देखो मैंने डिजिट के नीचे डिजिट राइट किए, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस, थाउजेंड प्लेस, 10,000 प्लेस. तो आप लोगों ने भी डिजिट के नीचे डिजिट राइट करना है, उसमें मैं आपके पास कहीं भी कोई भी मिस्टेक नहीं होगी. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आगे पीछे लिख देते हैं, ये 9 8 6 7. ठीक है, इस वजह से आपने एडिशंस करनी है. जैसे आपने स्मॉलर नंबर की करी हुई है वैसे ही आपने लार्ज नंबर की एडिशन करनी है. नेक्स्ट वन है आपके पास सब्ट्रैक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स. सब्ट्रैक्शन वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में करी हुई है,
आपने एक बात फिर से मैं तो बोल रही हूँ, आपको बार बार रिमाइंड करवा रही हूँ कि आपने डिजिट के नीचे डिजिट राइट करना है। वन में से वन लेस किए तो जीरो, टू सिक्स में से फोर लेस किए तो टू, टू वन वन वन, ये आ गया आंसर। में भी वैसे राइट करना है आपने, डिजिट के नीचे डिजिट राइट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे देखिए आप लोग, फाइव थ्री वन फोर वन, ये पैटर्न सेम है आपके पास एडिशन का भी एंड सब्ट्रैक्शन का भी। नेक्स्ट वन है आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ लार्ज नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है आपने, पैटर्न वही है, डिजिट के नीचे डिजिट राइट करना है। अब मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए आपको टेबल्स का लर्न होना बहुत जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, टेबल्स, फाइव थ्री सा फिफ्टीन, वन बच गया आपके पास, थ्री थ्री जा नाइन, नाइन प्लस वन टेन, अगेन वन, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस वन सेवन, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, और फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू कितना हो गया फोर्टीन, ये आ गया आपके पास। ये देखो वन डिजिट का यहाँ लग गया आपके पास, ठीक है। फाइव टू जा टेन, वन बच गया, थ्री जो सिक्स सेवन, टू टू जा फोर, नाइन टू जा एटीन, एंड फोर टू जा एट प्लस नाइन, अगेन टू क्रॉस लगेंगे आपके पास क्योंकि टू डिजिट है आपके पास इसके आगे। फाइव वन जा फाइव, थ्री वन जा थ्री, टू वन जा टू, नाइन वन जा नाइन, फोर वन जा फोर। अब वैसे ही देखो डिजिट नीचे डिजिट राइट किया हुआ है, वैसे ही आपने ऐड करने हैं। फाइव जीरो, सेवन और सेवन ऐड किए फोर्टीन, फोर्टीन प्लस फाइव नाइनटीन, इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन, फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, टेन एटीन नाइनटीन, और ये ट्वेंटी, और ये सिक्स। इस हिसाब से अब देखो यहाँ पे जीरो को अब हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास, जीरो। जीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो जीरो टू ज़ा जीरो, जीरो 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 से कर तो जीरो ही आएगा आपके पास, जीरो क्रॉस जीरो 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 जीरो, डबल क्रॉस टू थ्री नाइन जीरो सेवन, ये आ गया जीरो जीरो टू थ्री नाइन जीरो सेवन। अब देखो किसी मतलब कितनी जीरो से मल्टीप्लाई कर रही है उतनी जीरो आपके पास एक्स्ट्रा लग जाएंगी। वन को तो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा आपके पास, तो इस वजह से आपने करना है ये। नेक्स्ट है आपके पास डिवीजन बाय लार्ज नंबर। अब आप लोगों ने सिंपल वे में डिवाइड करा होना है क्या, देखो अब ये है आपके पास, इसको लार्ज नंबर से हमने डिवाइड करना है। नंबर क्या है आपके पास, 125। देखो 125 में कितने मतलब जो डिवाइजर है, ये डिवाइजर है, ये आपका डिविडेंट है। फर्स्टली हमने डिवाइजर में देखने कितने डिजिट्स हैं आपके पास, थ्री डिजिट्स हैं, तो और इसका जो हमारे पास 100 प्लेस वाला है वो 1 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 624 मतलब ये है। तो हमने इसी हिसाब से लेना है कि यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट्स कवर हो जाए, तो 625, ये देखो 5 में से 5 गए तो 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब देखो हमने 1 डिजिट नीचे ले लिया, अब ये देखो 125 है, ये 1 है, स्मॉलर है, 0, 2 लिया, फिर अगेन स्मॉलर, फिर 0 लग गई, फिर हम लोगों ने 5, तो 125 बन जा 125, ये बन गया आपके पास, और रिमाइंडर कितना बचा, 0, 0। अब देखो यहाँ पे डिविडेंड क्या था आपके पास, मैं थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिविडेंड था आपके पास दिस वन,
डिवाइजर है आपके पास 125 कोशेंट, है आपके पास 5000 वन रिमाइंडर बना है आपके पास नथिंग जीरो, ठीक है। तो ये डिविडेंड जिस टर्म से, जिस टर्म को हम मल्टी डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर जिससे डिवाइड करना है, कोशेंट जो डिवाइड करके आएगा आपके पास, रिमाइंडर जो बच जाएगा, ठीक है। तो ये डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए हमने लार्ज नंबर के ऊपर, ठीक है। एडिशन, जैसे हमने मतलब पहले भी बताया आपको कि हम जैसे स्मॉलर नंबर की एडिशंस करी है, वैसे ही हमने लार्ज नंबर की एडिशंस करनी है। सब्ट्रैक्शन करी, उसके बाद सब्ट्रैक्शन भी वैसे है, अगर हमने स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करने सीख लिया है, हम लार्ज नंबर को भी कर लेंगे। पर बात एक मत ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि डिजिट के नीचे डिजिट राइट करना है, आगे पीछे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। वन प्लेस का डिजिट वन प्लेस के ऊपर, टेंस का टेंस प्लेस के नीचे, हंड्रेड का हंड्रेड के नीचे, थाउजेंड का थाउजेंड के नीचे, टेन थाउजेंड का टेन थाउजेंड के, मतलब डिजिट के नीचे डिजिट राइट करना है। उसके आफ्टर हमने की मल्टीप्लीकेशन लार्ज नंबर्स की, देन की डिवीजन, और उसमें मैंने आपको डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट, रिमाइंडर ये चीजें भी बता दी। अब हमारे पास आ रहा है एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। एस्टिमेशन, एस्टिमेशन मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या होगा एस्टिमेशन, मतलब आपके पास एस्टिमेशन मतलब अप्रोक्सीमेशन, मतलब कितना अप्रोक्सीमेट कितना आंसर बन रहा है आपके पास, या अप्रोक्सीमेट कितने, जैसे हम जाते हैं मार्केट में जाते हैं, हम लोग बोलते हैं कि जैसे मोबाइल की कॉस्ट होती है 9999, तो हम बोलते हैं कि 10,000 खत्म हो गया, अप्रोक्सीमेटली हम वही लेते हैं ना, नियर एस टू। या जैसे बोलते हैं कि थोड़े बहुत, जैसे 47 रुपीज का सामान है, बोलते हैं कि 50 रुपये लग गए हमारे, तो ये अप्रोक्सीमेट मतलब एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतना ही खर्चा आ जाएगा आपके पास, वो चीज है। अब है एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट नंबर्स, नियरेस्ट कौन सा ले रहे हैं, अब हम टेंस प्लेस वाला, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख टेन लैख करोड़ टेन करोड़, ठीक। इसमें हमने पहले कौन सा लिया है, एस्टिमेशन टू द नियरेस्ट टेंस प्लेस डिजिट। इसमें क्या करना है आप लोगों ने, कुछ नहीं करना है, हमने पहले लोकेट द वंस प्लेस डिजिट, वंस प्लेस के ऊपर जो डिजिट होगा उसको हमने ध्यान से देखना है, ठीक है। अगर आपका डिजिट जो है वो 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, तो आपके पास जो टेंस प्लेस का डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वह जो वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हम 0 लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप यही वही 172 ये बोला गया है। अब ये आपका वंस प्लेस का है, ये आपका टेंस प्लेस का है, ये आपका हंड्रेड प्लेस का है। मैंने बोला है आपको कि आपने वंस प्लेस का डिजिट देखना है, ये डिजिट अगर आपका लेस देन 5 है, जो 2 है आपका वो लेस देन 5 है, तो आपके टेंस प्लेस के ऊपर इस डिजिट्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, देयर इज नो चेंज ऑफ डिजिट्स एट टेंस प्लेस, ठीक है। तो आपका ये डिजिट तो कैसे रहेगा, पर इसकी जगह कितना आ जाएगा 0, और ये बाकी का सेम रहेगा, मतलब 172 की अप्रोक्सीमेट जो एस्टिमेशन नंबर आया वो कितना है आपके पास 170। और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग, देखेंगे इसमें स्मॉलर के लिए, जैसे 231, 252, 463, 594। अब देखो ये सारे के सारे जिनके वंस प्लेस के, ये वंस प्लेस, ये टेंस प्लेस, ये हंड्रेड प्लेस, इनके जो वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं वो सारे ही क्या हैं, लेस देन 5, लेस देन 5 है आपके पास। तो मैंने क्या बोला, जो वंस प्लेस का डिजिट है उसकी जगह कितना लग जाएगा आपके पास 0, और जो टेंस प्लेस का डिजिट है
उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज. एट टेंथ प्लेस, टेंथ प्लेस के ऊपर कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो कितना है ये, 3, 2. वैसे ही आपका इसका 0 बन गया, 5, 2. वैसे ही आपके पास 3 की जगह कितना पुट करेंगे, 0 करेंगे, 6, 4, 5, 9, 0. तो ये बन रही है आपके पास अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, एस्टिमेशंस नियरेस्ट टू टेंथ प्लेस. यही आया आपके पास. अब ये था हमारे पास लेस देन 5 के लिए, मतलब ये कंडीशन थी आपकी लेस देन 5. ठीक है, कौन से प्लेस के ऊपर, और एट वंस प्लेस. समझिए आप लोग. नेक्स्ट है आपके पास सेकेंड ऑप्शन आ रही है. अब हमने किया लेस देन 5 के लिए, अब हम करेंगे मोर देन 5 या 5 से ज्यादा. तो यहां पे क्या, इफ द डिजिट्स एट वंस प्लेस इज 5 और मोर देन 5, मतलब या तो 5 है या 5 से बड़ा है, तो आपके पास क्या होगा, एड 1 टू द डिजिट एट टेंथ प्लेस. हमने जो टेंथ प्लेस का डिजिट होगा उसमें हमने 1 ऐड कर देना है, और जो हमने डिजिट जो हमारे पास है टेंथ, सॉरी वंस प्लेस का जो डिजिट है उसको हमने क्या लिख देना है, वहां पे 0 राइट कर देना है. समझ गए. फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आप यहां पे, पहले 465. अब ये वंस प्लेस है, ये टेंथ प्लेस है, ये 100 प्लेस है. ठीक है, तो यहां पे देखो मैंने क्या बोला, वंस प्लेस का डिजिट देखना है पहले. अगर वो 5 है, 5 के इक्वल है या 5 से बड़ा है, तो देखो 5 के इक्वल है ये, तो अब हमने क्या करना है, इसकी जगह 0 पुट कर देना है, और इसमें हमारे पास कितना ऐड हो जाएगा, 1 ऐड हो जाएगा. तो कितना बना, ये 6 का 1 ऐड किया तो कितना आया, 7, एंड ये कितना आया आपके पास, 470. समझ गए. वैसे ही आपके पास मैं और एग्जांपल्स लेती हूं. अब देखो, अब मैं दोनों को कंपेयर करके लगी हूं बताने आपको कि एक लेस देन 5 और एक लेस देन, सॉरी मोर देन 5. अब देखो यहां पे ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये वंस प्लेस है, टेंस प्लेस है, और ये 100 प्लेस है. यहां पे देखेंगे जो आपका वंस प्लेस 9 है, 9 ग्रेटर देन 5, 9 जो वो 5 से बड़ा है, और यहां पे क्या है आपके पास 3 लेस देन 5. ठीक है, तो यहां पे देखो दोनों जगह, अब जहां पे आपके पास लेस देन 5 है वहां पे टेंस प्लेस के ऊपर चेंज नहीं होगा, यहां पे नो चेंज लिख दो, नो चेंज एट टेंस प्लेस लिख दिया, एट टेंस प्लेस. समझ गए. और यहां पे क्या होगा, चेंज, या ऐसे लिखते हैं एड 1 टू इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस. ठीक है, दोनों कंडीशंस राइट कर दी हैं. अगर यहां पे लेस देन 5 आ रहा है तो कोई चेंज नहीं आएगा टेंस प्लेस के ऊपर, यहां पे आपका ग्रेटर देन 5 आ रहा है तो क्या होगा, 1 ऐड कर देंगे टेंस प्लेस के ऊपर. तो देखो यहां पे 9 की जगह 0, 1 मिनट बन ऐड किया 2, और ये बन गया आपके पास. ठीक है, दिस वन इज अ नंबर, एंड यहां पे 0 ये, सॉरी नो चेंज, ये वन आपके पास. ऐसे ही हम लोग एग्जांपल्स लेते हैं. और देखेंगे आप लोग यहां पे, फॉर एग्जाम्पल अब हमने मोर देन 5 के ले रहे हैं आप लोग 465, 376, 297,
एंड 198 एंड आपने ले लिया आपके पास 469। ये सारे के सारे क्या हैं आपके पास 5 से बड़े हैं और 5 के इक्वल हैं। ये वंस प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड प्लेस। तो यहाँ पे देखो ये वंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं मैंने इनको सर्कल कर दिया है। ये मोर देन 5 या मोर देन 5 है तो इसमें क्या होगा जो आपके टेंस प्लेस के जो डिजिट्स हैं उनमें हमने 1 ऐड कर देना है। तो इसके जो नंबर बनेंगे वो क्या बनेंगे आपके पास 470, इसका 380, देन इसका क्या बनेगा अब देखो 9 में 1 ऐड करें तो एक और जो जाएगा हमारे पास कितना आया ये अप्रोक्सीमेटली 300 आया आपके पास एंड वैसे ही यहां पे है तो ये 200 देन आपके पास है 470। ये आ रहे हैं आपके पास 5 से ज्यादा और 5 के इक्वल। तो आपके पास क्या आ रहा है वंस प्लेस में एक डिजिट ऐड हो रहा है। आज हमने किया है यहाँ पे एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स और मेथड्स राइट करने मतलब लार्ज नंबर को राइट करने का क्या मेथड है वो अकॉर्डिंग टू इंडियन पेसर सिस्टम एंड इंटरनेशनल पेसर सिस्टम के उसके हमने ऑपरेशंस लगाए। ऑपरेशंस कौन कौन से हैं आपके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, देयर इज अ 4 ऑपरेशंस ठीक है। देन एस्टिमेट किया है हम लोगों ने अभी तक किया है हमने ओनली टेंस प्लेस वाला ठीक है। इसके आगे आपके 100 प्लेस के, 1000 प्लेस के और लैक प्लेस के नियरेस्ट आएंगे वो हम नेक्स्ट इसमें लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।